पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सभी पॉपुलर स्कीम में से एक है। इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या ये पॉपुलर स्कीम है, तो क्या अच्छी है क्या बुरी है, पीपीएफ में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में अनबायस एनालिसिस करेंगे, क्विक एनालिसिस करेंगे कि क्या पीपीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो के एंड होते होते आप समझ जाएंगे कि क्या आपको पीपीएफ सूट करेगी कि नहीं करेगी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या क्या हम जानेंगे, आपका रिटर्न क्या होता है पीपीएफ में, रिस्क कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड के एक्सेप्शन भी जानेंगे, टैक्स बेनिफिट जानेंगे, मैच्योरिटी जानेंगे और बहुत कुछ जो आपके लिए काम का हो सकता है। सबसे पहले टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है रिटर्न के बारे में। देखिए, जो पीपीएफ का रिटर्न है वो हर 3 महीने में गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। अभी 7.10% इसका रिटर्न रेट चल रही है, 3 महीने बाद चेंज कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, इसके जो रिटर्न की कैलकुलेशन आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े बैंक की इंटरेस्ट की रिटर्न रेट होती है उससे 1 या 1.25% ज़्यादा ही होता है। बहुत सारे ये बात सुनने के बाद बोलेंगे कि पीपीएफ तो अच्छी स्कीम है नहीं, क्योंकि 1.25% के लिए आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। बहुत सारी छोटी बैंक तो होती है आपको 7-7% रिटर्न देती है, तो इतने टाइम के लिए आप ब्लॉक क्यों करोगे। देखिए, इसका आंसर मैं आगे जो वीडियो चलेगी तो उसमें आपको अपना इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको पीपीएफ में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैच्योरिटी और लॉक इन पीरियड के बारे में, मतलब कितने साल बाद आपको अपना पीपीएफ का पैसा मिलेगा और कितने साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। देखिए, अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पीपीएफ में तो 15 साल तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है कि आप बीच बीच में अपना पैसा निकाल सकते हो, वो एक्सेप्शन वो आगे देखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जो आपका पैसा है वो 15 साल तक ब्लॉक हो जाएगा। एक्सेप्शन 3 है इसके, एक्सेप्शन मेजर एक्सेप्शन देखिए। पहला एक्सेप्शन है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल हो गए पीपीएफ में, तो 5 साल बाद अपना 50% अमाउंट आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन, अगर आपको अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है या कोई सीरियस बीमारी हो गई है उसके इलाज करने के लिए आप पीपीएफ से पैसा पूरा निकाल सकते हो, पूरा पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो भी 5 साल बाद हो सकता है। तीसरा, अगर आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हुए 2 साल हो गए हैं तो 2 साल में जितना पीपीएफ का अमाउंट हुआ है उसका आप 25% तक लोन ले सकते हो। जैसे मान लीजिए पहले साल आपने पीपीएफ में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरे साल भी 50,000 इन्वेस्ट किए, तो 2 साल कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में कि कितने साल के लिए आप अपना पैसा इसमें डाल सकते हैं। क्या 15 साल ही है, आप 10 साल के लिए डाल सकते हैं या 20 साल के लिए डाल सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपने एक बार अपना पीपीएफ में पैसा डाला तो 15 साल के लिए ही जाएगा, ना तो 10 ना 8। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 15 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप हो 25 साल के, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पीपीएफ में, अब वो 15 साल बाद मतलब आपको 40 में मिल जाएगा, तो 40 की एज में आपको पैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंपल सा फॉर्म भरो और आप 15 साल के बाद 5-5 साल आगे एक्सटेंड कर सकते हो कितनी बार भी। जैसे मान लीजिए 15 साल खत्म हो गए 40 में, अब एक फॉर्म भर दो आपको 45 तक मिल जाएगा पैसा, अब फिर से फॉर्म भर दो फिर आपको और आगे 5 साल मिल जाएंगे, फिर से फॉर्म भर दो फिर से आपको 5 साल मिल जाएंगे। ऐसे 5-5 साल करते करते आप कितनी भी बार उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और एक और बात, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एक्सटेंड किया अपना पीपीएफ का अमाउंट, अब एक इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो आपने पिछले 15 साल में जितना भी इन्वेस्ट किया है उसको आप 5 साल में निकाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 1 साल में एक ही विड्रॉल होगा, आप एक विड्रॉल में पूरा का पूरा पैसा निकाल लो या फिर पार्सल निकाल लो या 5 साल में थोड़े थोड़े करके निकाल लो, जो आप चाहो जैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया पीपीएफ में 5,00,000 रुपये, अब जो 5 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया था उस 5 साल में एक बार आपको मौका मिलेगा कि या तो आप 5,00,000 रुपये पूरे निकाल लो या थोड़े थोड़े करके निकाल लो। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप इस टैक्स बेनिफिट को जान लोगे तो आपको अपना भी पता चल जाएगा कि जो FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आप उससे अच्छा था आप PPF में इन्वेस्टमेंट करोगे। PPF में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेनिफिशियल आपके लिए। देखिए,
टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो पीपीएफ को एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी में रखा गया है। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, एक बात ध्यान रखना पीपीएफ में आप एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए पीपीएफ में, तो सेक्शन 80C के अनुसार आपको पूरी 1.5 लाख रुपए की पीपीएफ की बेनिफिट मिल जाएगी। मतलब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाए, चलिए मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाए और उस पर आपको टैक्स लग रहा है, तो 1.5 लाख हटा दिए जाएंगे, पूरी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी, तो आपको 3.5 लाख रुपए भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो या किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए सिर्फ आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो टैक्सेबल होता है। अब पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। मतलब पीपीएफ में आपको कितना भी इंटरेस्ट मिले वो 100% एग्जम्प्ट माना जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। देखिए पीपीएफ में जब मैच्योर हो जाएगा आपका पैसा, चाहे 10 लाख हो कि 20 लाख हो, जितना भी अमाउंट है वो 100% एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का एक लॉस ये होता है कि जब पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। ऐसे अगर आप ईएलएसएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी टैक्सेबल होता है, लेकिन पीपीएफ में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा तो एग्जम्प्ट, और आपको जब रिटर्न सारा मिल जाएगा, सारा पैसा आपको मिल जाएगा तो एग्जम्प्ट होता है। इसलिए यही कहते हैं कि पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप 10, 20, 40 साल तक रुक सकते हो, तो आपको पीपीएफ में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सबसे बड़ा एडवांटेज की बात करें तो आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लीगल इम्यूनिटी मिलती है। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को कंपनसेशन देना है और आपकी प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि सामने वाले को क्लेम आप पूरा दे सकते हो, तो कोर्ट क्या करता है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकता है, स्टे कर सकता है और उसको पेमेंट कर सकता है सामने वाले को जिसको पे करना है। आपके म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर सब बिक सकते हैं, लेकिन एक पीपीएफ ही है जिसको कोर्ट टच भी नहीं कर सकती। अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको किसी को क्लेम देना है, कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती आपके पीपीएफ का। अच्छा क्यों नहीं करती मैं आपको बताऊँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो कोर्ट ये मानती है कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो आपका बिल्कुल नहीं है, आपके डिपेंडेंस का है या आपके बच्चों का है। इसलिए पीपीएफ में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसके लिए आपको लीगल इम्यूनिटी मिलती है। आप कितना भी इन्वेस्ट करो ये कोर्ट इसको टच भी नहीं कर पाएगी। अच्छा दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसमें बच्चों का अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और एज लिमिट क्या है। देखिए इसमें आप अपने बच्चों का अकाउंट ओपन कर सकते हो और कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम की एज का है तो उसका अकाउंट हालांकि उसका नाम पे होगा, लेकिन उसको ऑपरेट या तो आप करेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स करेंगे। अगर 18 साल के ऊपर का हो जाता है तो वो खुद ऑपरेट कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है तो उसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। पीपीएफ में 1,50,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो एज लिमिट 18 से ऊपर होगी तो 1,50,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पीपीएफ में, लेकिन एक बात उसको ध्यान रखना कि जो एग्जम्प्ट वाली कैटेगरी है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेक्शन 80C में एग्जम्पशन मिलती है, वो 1.5 लाख तक ही रहेगी। 1.5 लाख से ऊपर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने पीपीएफ में 1 साल इन्वेस्ट किया, 2 साल इन्वेस्ट किया, 30,000 आपके पास पैसे नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो क्या पीपीएफ अकाउंट आपका बंद हो जाएगा या फिर क्या उसका असर पड़ने वाला है। देखिए जैसे मान लीजिए पीपीएफ में आपने पहले साल 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरे साल 1,000 इन्वेस्ट किए, 30,000 के पास पैसे नहीं थे, तो इसका असर आपके इंटरेस्ट पे ही पड़ेगा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पहले साल और दूसरे साल आपने 1,000 रुपये डाले, तो तीसरे साल आपके 2,000 रुपये रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो आप क्या कर सकते हो इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 30,000 के पास पैसे नहीं थे तो चौथे साल पैसे आए, तो आप क्या कीजिए कि जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करो ताकि तीसरे साल को आप कवर कर सके। जैसे ऐसे ही आप
फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो जिससे आप ईयर थर्ड को कवर कर सको, तो आपका इंटरेस्ट जो आपका लॉस हुआ था ना वो आप रिकवर कर लोगे। इसमें हम जानेंगे कि पीपीएफ में एक छोटी सी ट्रिक लगा के आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके या इंटरेस्ट आपका जो पहले मिल जाता उससे बढ़ सके, लेकिन ये आपको वीडियो के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। अब इसमें बात की जाएगी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट करना है या साल में एक बार इन्वेस्ट करना है, मिनिमम कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए इसमें आप चाहो तो 12 किस्तें बनवा लो एक साल की, या 12 महीने में एक ही बार इन्वेस्ट कर दो आप चलेगा, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका इसमें 500 रुपये होना चाहिए। 500 रुपये को आप या तो टुकड़े टुकड़ों में इन्वेस्ट कर दो या फिर एक साथ इन्वेस्ट कर दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि क्या इसमें एज लिमिट हो सकती है। एज लिमिट कुछ भी नहीं है इसमें, आप अगर 80 साल के हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अगर 30 साल के हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। अच्छा, क्या इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? देखिए पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल ही अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आपका स्पाउस है तो उसका भी अकाउंट आपके साथ ऐड नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, उसका अलग अकाउंट होगा पीपीएफ का, आपका अलग पीपीएफ अकाउंट होगा। एक पर्सन का एक ही पीपीएफ अकाउंट होगा, मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के करता हो तो आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन आपके एचयूएफ का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है, उसको आपको सभी को इंडिविजुअली अलग अलग अकाउंट ओपन कराना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या एक NRI भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है PPF के? नहीं कर सकता। देखिए जब आप NRI नहीं बने थे, मतलब इंडियन सिटीजन थे टैक्स पर्पस से, तो आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते थे, और आप बाद में मान लीजिए बाहर चलकर NRI बन गए तो आप उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन अगर आप फ्रेशली इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, PPF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप NRI है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। बस इन्वेस्टमेंट इसमें इंडियन सिटीजन ही कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के आप समझिए कि इंडियन सिटीजन कौन होते हैं। अब जानते हैं कि इसको आप अकाउंट को ओपन कहाँ करा सकते हो PPF अकाउंट को। देखिए PPF अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन करा सकते हो या ऑफलाइन ओपन करा सकते हो, मतलब आप बैंक में जाके भी ओपन करा सकते हो या ऑनलाइन कंप्यूटर बैठे बैठे ओपन करा सकते हो। इसमें आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आप या तो अपना आधार कार्ड दे सकते हो या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो जिससे आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो सके, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो। आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए और एक आपका बस फॉर्म होना चाहिए PPF का, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बिल्कुल आराम से आपका PPF अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जानते ही वो ट्रिक जिससे आप इन्वेस्टमेंट को या उसके रिटर्न को बढ़ा सकते हो। अच्छा, वो ट्रिक बताने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई, आपके डाउट क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। अब ट्रिक के बारे में सुनिए। देखिए मान लीजिए आप हर महीने की 15 तारीख में PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। PPF की एक डेट होती है, कट ऑफ डेट 5 तारीख। अगर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हो 5 तारीख या उससे पहले, तो वो जिस महीने आपने इन्वेस्टमेंट किया ना उसका पूरे का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। ऐसे ही आप करके देखना कि अगर आप 5 तारीख से बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक एक महीने का इंटरेस्ट आपको कम होता चला जाएगा। इवन अगर आप 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करोगे PPF में, तो वो जो हर महीने का इंटरेस्ट है जिसमें इन्वेस्ट किए वो भी आपको मिलता चला जाएगा। एट द एंड ऑफ 15 ईयर, 15 साल बाद अगर आप देखोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट के जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। डिफरेंट आप देखना, 50,000 रुपये का ऐसे ही आपके लिए डिफरेंट पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं किस कैटेगरी के लोगों को PPF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये नेशनल पेंशन स्कीम से अच्छी है कि नहीं है, दो चीज़ों में डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर आप 10 लाख रुपए ज़्यादा कमाते हो तो आपको क्या है, 30% के टैक्स स्लैब में आप आ जाते हो।
ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ में, तो आपको सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब आपको बहुत टैक्स बचेगा। तो आपको एनपीएस की देखिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे अच्छा आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या आपके अगर डिसिप्लिन की कमी है, मतलब मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया और आप चाहते हो कि पैसा निकाल ले, तो प्री मैच्योरिटी आप कुछ पेनल्टी देके पैसा निकाल लेते हो, मतलब आपके डिसिप्लिन की कमी है, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि 5 साल तक आप तो निकाल ही नहीं पाओगे, और 5 साल बाद भी हाफ अमाउंट निकाल पाओगे, तो इससे आपका डिसिप्लिन जनरेट होगा। बाकी एक एनपीएस की नेशनल पेंशन स्कीम की एक फुल वीडियो आने वाली है इसके जस्ट बाद, दोनों वीडियो कंपेयर करना, दोनों आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर पीपीएफ, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपको खुद को लास्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो जरूर देखना, एनपीएस वाली आने वाली है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की वीडियो रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।